विश्व के समस्त परिजनों एवं नन्हे बच्चों को हमारा भाव भरा नमस्कार। आज का जो हमारा विषय है वह विद्यार्थी जीवन तथा सभी बच्चों, किशोर, युवाओं के लिए बहुत ही अधिक लाभप्रद है, जिसको अपने जीवन में अपना कर वह बहुत ही अधिक ऊंचाइयों पर अग्रसर हो सकते हैं तथा राष्ट्र को तथा विश्व को कुछ नया देकर जा सकते हैं। तो आज का हमारा विषय है जीवन प्रबंधन। प्रबंधन के अंतर्गत विभिन्न जैसे कि जीवन प्रबंधन, विचार प्रबंधन, तनाव प्रबंधन, समय प्रबंधन, इन सभी को जितने भी मोटिवेशनल हैं, मनोविशेषज्ञ हैं और महापुरुष हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे विचार दिए हैं, इस वीडियो में हम उन सभी को लेकर आए हैं, महत्वपूर्ण अंशों को लेकर आए हैं। इसलिए आप इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें और बड़े ही ध्यानपूर्वक उत्सुकतापूर्वक सुने। नन्हे बच्चों, आज का हमारा विषय है जीवन प्रबंधन, जो विद्यार्थी जीवन में बहुत ही अधिक आवश्यक है। बच्चे परिवार, समाज व राष्ट्र का उज्जवल भविष्य है। वह गीली मिट्टी के समान है, उन्हें जिस रूप में ढाला जाए उस रूप में ही परिणित हो जाते हैं। वह बीज है, नन्ही पौध है, कलम के समान है। यदि उनके जीवन में प्रबंधन का समावेश हो तो वह बहुत ही अधिक ऊंचाइयों को छू सकते हैं, एक भावी राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है बाल संस्कार शाला, जो समय समय पर चलाई जा रही है। आप अपने बच्चों के विकास के लिए बाल संस्कार शाला की भी शुरुआत कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण कि बच्चों का विकास किस प्रकार से हो, जो बाल संस्कार शाला का जो उद्देश्य है वह किस प्रकार से पूर्ण हो, इसमें हम बताएंगे। इसलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। बा का अर्थ होता है बालकों में दिव्य गुणों का विकास। ल को यदि हम लें तो उन्हें लक्ष्य भेदि बनाना। स, संस्कृति का ज्ञान कराकर उसका रक्षक बनाना। यदि हम संस्कृति को लें, उसके अंतर्गत जो आधा स आता है स्वावलंबी, स्वाध्यायी तथा स्वयं सेवी बनाना। का अर्थ होता है उनके कार्य कौशल को विकसित करना। र अर्थात रचनात्मक शैली द्वारा मानवीय गुणों को उभारना। तो ये होता है बाल संस्कार। अब शाला का अर्थ हम देख लेते हैं, शानदार व्यक्तित्व गढ़ना। ला अर्थात लाख मनकों में चमकदार गिराना। तो कौन ऐसे माता पिता नहीं है कि जो अपने बच्चे में इन दिव्य गुणों का समावेश करने को नहीं चाहते हैं। बच्चे स्वयं चाहते हैं कि हमारे अंदर ऐसे दिव्य गुणों का विकास हो कि लाख मनकों में चमकदार हीरा बन हमें। तो बच्चों, इसके लिए प्रबंधन आवश्यक है। प्रबंधन अर्थात अपने कार्यों को ठीक ठीक सुनियोजित करना। किस प्रकार से? सबसे महत्वपूर्ण प्रबंध आता है आपका जीवन प्रबंध। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो समयावधि है वह जीवन कहलाती है। इस जीवन में हम जो जो भी कार्य करते हैं, 24 घंटे सभी को मिले हैं, हम जो जो भी कार्य करते हैं उनका ठीक ठीक सुनियोजन, ताकि हम अपने विद्यार्थी जीवन में इनका सुनियोजन करके ऊंचाइयों पर आगे बढ़ सकें। क्योंकि अगर हम जीवन का प्रबंधन करते हैं तो दूसरा महत्वपूर्ण आता है परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य अपने किताब में लिखते हैं कि जीवन का अर्थ होता है समय। जो जीवन से प्यार करते हैं वो आलस्य में समय न गवाए। इसलिए समय प्रबंधन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, टाइम मैनेजमेंट। इसके गोल्डन रूल्स हम आगे आपको बताएंगे, इसलिए इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें। अगला आता है विचार प्रबंधन, थॉट मैनेजमेंट, तथा तनाव प्रबंधन भी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जैसे जैसे विद्यार्थी आगे बढ़ते जाते हैं उन्हें समझ नहीं आता है कि हम किस क्षेत्र में जाएं, क्या करें, तो उनके ऊपर एक तनाव होता है। तो उस तनाव को भी अभी रिलीज करते हैं आसन प्राणायाम के माध्यम से, तो फिर वह बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार मैनेजमेंट के माध्यम से हम नैनिहालों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक विकास की ओर उन्हें अग्रसित कर सकते हैं तथा बाल चरित्र निर्माण हेतु उनके भीतर साहस, उत्साह, नेतृत्व गुण, निस्वार्थता, दया एवं सहानुभूति का विकास कर सकते हैं। मानवीय मूल्यों, ऋषि परंपरा और सांस्कृतिक विरासत से उन्हें परिचित करा सकते हैं।
नन्हे बच्चों, एक कहानी से हम इसकी शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक भव्या और जय नाम के दो बच्चे अपने दादा दादी के साथ गांव में रहते थे। तभी उनको खबर लगी दादा को कि नदी किनारे पारस पत्थर मिल रहा है। तो दोनों बच्चे और दादा दौड़े दौड़े नदी के किनारे गए और उन्होंने पत्थर उठाया और लोहे से छुआ और उस कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो उसे नदी में फेंक दिया। बच्चे ये सब चीज़ें देख रहे थे तो उन्होंने भव्या और जय ने पूछा, दादा आपने यह पत्थर कौन सा था, पारस पत्थर क्या होता है और इसको आपने टच क्यों किया और नदी में क्यों फेंक दिया? इतने सारे उनके मन में प्रश्न थे। तब दादा ने उन्हें समझाया, बेटा पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर होता है जिसे लोहे से छुआओ तो वह भी सोने में परिणित हो जाता है। जब मैंने छुआया तो उन्हें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो वह साधारण पत्थर था, इसलिए मैंने उसको नदी में फेंक दिया। तो बच्चों में उत्सुकता हुई कि दादा हम रोज आएंगे तो हमें कुछ ना कुछ तो पारस पत्थर मिल ही जाएगा। इस तरह उनकी जिज्ञासाएं बढ़ती गई और वो रोज पत्थर देखने आते रहे और वही क्रम अपनाते रहे। इसी तरह से महीनों बीत गए। एक बार अचानक क्या हुआ, दादा ने एक पत्थर उठाया और उसको लोहे से टच कराया और उनकी तो आदत बन गई थी तो उन्होंने उस पत्थर को पानी में फेंक दिया। पर अचानक क्या हुआ, अचानक वह जो लोहा था वह सोने में परिणित हो गया। बच्चे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, दादा देखो ये तो लोहा सोने में परिणित हो गया है। तब दादा को बड़ा पछतावा हुआ कि अरे वो तो पारस पत्थर था जो मैंने नदी में फेंक दिया है। तो उन्हें बहुत ही अच्छा नहीं लगा और बच्चे भी नाराज हो गए। तो कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि पारस पत्थर अर्थात जीवन, पारस पत्थर अर्थात समय, जो जीवन से प्यार करते हैं वह जीवन अर्थात समय जो जीवन से प्यार करते हैं वो आलस्य में समय न गवाएं। हम इसी तरह से जितने भी हमारे पास उपलब्धियां आती हैं, हमारे पास कुछ ना कुछ चीज़ें आती रहती हैं, हम उसमें व्यवस्थित नहीं हो पाते और अपने समय को इसी प्रकार से बर्बाद करते रहते हैं। तो हमें समय का सुनियोजन भी आवश्यक है। तो यह कहानी हमें इसी महत्वपूर्ण शिक्षा की ओर इंगित करती है। आज का जो वर्तमान संकट है वह बहुत ही अधिक भयावह बच्चों के लिए हो रहा है, जिसका समाधान अनिवार्य है। सबसे महत्वपूर्ण है उनकी दिनचर्या अनियमित हो गई है, असंयमित हो गई है, श्रमशीलता का अभाव हो गया है, साथ ही साहस का अभाव हो गया है। जंक फूड अधिक से अधिक विद्यार्थी ले रहे हैं जिससे उनका पेट खराब रहता है, कब्ज की शिकायत अधिक से अधिक बनी रहती है। टीवी, मोबाइल, कॉमिक्स तथा विषैला संगीत सुनने से उनका शरीर, मन और भावनाएं प्रभावित हो रही हैं। तो इन सब के लिए समाधान क्या है, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बालक के लिए जो प्रथम पाठशाला होती है वह होता है उसका परिवार, माता पिता। वह जिससे जो भी सीखता है वह परिवार से ही सीखता है तथा गुरु और प्राकृतिक विषय वह अपने आचार्यों से सीखता है तथा समाज भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब यह सभी बालक के सानिध्य में आते हैं, पालक, आचार्य और समाज, उससे उसका विकास होता है। सांस्कृतिक पारिवारिक वातावरण यदि श्रेष्ठ हो तो बच्चों में दिव्य संस्कारों का रोपण होता है। नन्हे बच्चों, भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार बालक के लिए प्रमुख बताए गए हैं। कहा भी गया है, संस्कारो नाम सभवति यस्मिन जाते पदार्थो भवति योग्यः कस्य चिदर्थस्य। इसका अर्थ होता है, संस्कार वह प्रक्रिया है जिसके होने से कोई व्यक्ति या पदार्थ किसी कार्य के योग्य हो जाता है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, वैसे तो भारतीय धर्म के अनुसार 16 प्रकार के संस्कार हैं जिन्हें षोडश संस्कार भी कहा जाता है, लेकिन जो प्रथम आता है माता के गर्भ में आने के दिन से लेकर मृत्यु तक की अवधि में समय समय पर बहुत सारे संस्कार होते हैं, जिनमें से सबसे प्रथम है पुंसवन संस्कार। बच्चों में श्रेष्ठ गुणों का विकास हो, गर्भस्थ शिशु के समुचित विकास के लिए गर्भिणी का यह संस्कार किया जाता है। इसमें जब गर्भ में शिशु होता है तो 3 माह में इसको करवाया जाता है, खीर का सेवन कराया जाता है तथा दिव्य मंत्रों के साथ उनका संस्कार कराया जाता है। अगला संस्कार आता है, उसके अंदर दिव्य गुणों का विकास हो,
इस हेतु नामकरण संस्कार कराया जाता है। नामकरण शिशु जन्म के बाद पहला संस्कार कहा जाता है। यह बहुत ही श्रेष्ठ है। कैसे कहते हैं कि जैसा बच्चे का नाम होता है वैसा के वैसा ही उसका पूरा व्यक्तित्व बनता है, इसलिए श्रेष्ठ नामों का इसमें समावेश करें, जैसे ज्योतिर्मय है, अभ्युदय है, ऐसे नाम जो दिव्यता से भरे हों, हमारे ऋषि मुनियों से दिव्य उनके नाम हो। अगला क्रम आता है अन्नप्राशन संस्कार का। बच्चों में श्रेष्ठ गुणों का विकास हो, जब बच्चा पेय पदार्थ दूध आदि के अतिरिक्त अन्न देना प्रारंभ करना होता है, तो इसका शुभारंभ यज्ञ वातावरण युक्त धर्मानुष्ठान के रूप में किया जाता है। इसी को हम अन्नप्राशन कहते हैं। खीर का मंत्रों के साथ उसे सेवन कराया जाता है ताकि उसके भीतर श्रेष्ठ गुणों का विकास हो। अगला क्रम आता है विद्यारंभ संस्कार, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा ही नहीं विद्या भी, उसके भीतर जीवन जीने की कला, जीवन प्रबंधन की कला, समय प्रबंधन की कला, इन सभी का विकास हो, बच्चों में श्रेष्ठ गुणों का विकास होता रहे, इसके लिए विद्यारंभ संस्कार बहुत ही अधिक अनिवार्य होता है। फिर आता है अगला दीक्षा। दीक्षा दीक्षा अर्थात अब आपने अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया है, अब आप दिव्यता से भर गए हैं और श्रेष्ठता की ओर बढ़ रहे हैं, जिसके आधार पर हमारे भारतीय दर्शन में यज्ञोपवीत संस्कार का वर्णन किया गया है। गायत्री महामंत्र के साथ दीक्षा देकर गुरु बनाकर, क्योंकि जब तक गुरु नहीं होंगे तो शिष्य आगे नहीं बढ़ पाएगा। गुरु अर्थात भारी भरकम जो हमें आगे बढ़ाए, इसके लिए यज्ञोपवीत के साथ दीक्षा का शुभारंभ किया जाता है। इस प्रकार हमने 16 संस्कार पढ़े। अब बच्चों आपने महामानवों की कहानी तो सुनी ही होगी। प्रत्येक माता पिता बच्चों को महामानवों की कहानी सुनाते हैं, विभिन्न तरह की पुस्तकें हैं। यदि हम रात्रि में जब बच्चा सोने जाता है उससे पूर्व यदि हम उन्हें श्रेष्ठ कहानियाँ सुनाते हैं, तो कहानियाँ इस प्रकार की हैं कि उनके भीतर दिव्यताओं का विकास होता है, उन्हें अच्छा बुरा सोचने समझने की क्षमता उनके अंतर्गत आती है। इसी क्रम में बाल संस्कार शाला मार्गदर्शिका बनाई गई है, प्रेरणा पर दृष्टांत है, हमारी भावी पीढ़ी में उसका नवनिर्माण किस प्रकार करें। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने शिक्षा एवं विद्या बाल निर्माण की कहानियों का निर्माण किया। हम उन्हें बचपन में हितोपदेश की कहानियाँ सुना सकते हैं, उपनिषद की जो कहानियाँ हैं, आरुणी हैं, इन सब की कहानियाँ उन्हें सुना सकते हैं। पंचतंत्र की जो कथाएँ हैं, बहुत ही ज़्यादा बच्चों का इससे विकास होता है, बौद्ध कथाएँ सुना सकते हैं, साथ ही समाचार पत्रों के प्रेरक तथ्य सुना सकते हैं। इनसे बच्चों का बहुत ही अधिक विकास होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्वामी विवेकानंद का यदि हम पूरा व्यक्तित्व देखें, तो उनका पूरा व्यक्तित्व एक प्रबंधन था उनका। यदि हम गांधी जी को देखें तो वो पूरा अपना सुनियोजन करके चलते थे। ठीक उसी प्रकार से पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने भी विभिन्न तरह से जीवन का प्रबंधन किया। अब बच्चों विद्यार्थी जीवन में सद्गुणों का समावेश आवश्यक है। हमने अभी महापुरुषों को देखा, यदि हम उनके जीवन को देखें तो उनका जीवन काल इतना शानदार था कि हजार मनकों में चमकने वाला ही रहा। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों नियमितता और निरंतरता, बहुत ही महत्वपूर्ण। आपने देखा होगा कि सूर्य हमेशा उदित होते हैं, कभी भी ऐसा दिन नहीं जाता है कि सूर्य उदित नहीं होते हैं। उनका एक योग है, वह नित्य नियम, ऐसा दिन नहीं जाए, दिन नहीं निकले तो प्रकृति में असंतुलन हो सकता है। तो हम सूरज से, चांद से, तारों से, पक्षियों से कितनी जल्दी उठ जाते हैं वो, तो हम उनसे सीख सकते हैं कि आप जो भी कार्य करें नियमितता निरंतरता अपनाएं। दूसरा महत्वपूर्ण है आलस्य त्याग कर सजग बने। तो इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है, आपने बच्चों सुनी होगी, खरगोश और कछुए की कहानी। कि क्या होता है, दोनों में रेस होती है, तो खरगोश को ऐसा अहंकार होता है कि मैं तो बहुत ही फुर्ती हूँ, फुर्ती वाला हूँ, मैं तो बहुत ही आगे बढ़ जाऊँगा। तो बच्चों कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको लगता है कि हम बहुत ही सारा ढेर सारा काम कर देंगे और जो हमसे पिछड़े हैं उसको पीछे कर देंगे। तो खरगोश ने ऐसा किया, बहुत ही तेज छलांग लगाई और बहुत आगे बढ़ गया। उसे लगा कि कछुआ तो बहुत पीछे है, वो तो बहुत धीरे धीरे आ रहा है। तो उसने सोचा कि क्यों ना एक पेड़ की छाँव के नीचे मैं थोड़ा सा देर विश्राम कर लूँ। ठंडी ठंडी हवाएं चली तो बच्चों क्या हुआ, उसको
नींद आ गई। तो इतने में तो कछुआ निरंतर चल रहा था, वो बिल्कुल नहीं रुका। निरंतर चलते 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 उसने देखा कि कछुआ तो सो रहा है, लेकिन वो चलता रहा और अंत तक पहुंचने लग गया। तभी खरगोश की नींद खुली और उसने देखा, अरे ये क्या हुआ, कछुआ तो बहुत आगे निकल गया है। तब उसने बहुत जोर जोर से छलांग लगाई, लेकिन तब तक तो कछुआ पूरा आगे पूरी लाइन को क्रॉस कर चुका था। तब खरगोश को बड़ा पछतावा हुआ। तो बच्चों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें आलस से त्याग कर सजग बनना चाहिए और निरंतर अपनी योग्यताओं को बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ श्रेष्ठ करते रहना चाहिए। कभी भी रुक नहीं जाना चाहिए, आगे आप बढ़ते रहिए, निरंतर बढ़ते रहिए। अगला आपने देखा होगा कि और महत्वपूर्ण सद्गुण है एकाग्रता और तन्मयता का सतत विकास करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसा कि आपने महाभारत में अर्जुन की कहानी भी सुनी होगी कि अर्जुन ने इतनी एकाग्रता की कि उनके गुरु ने कहा कि एक सामने वृक्ष है, तो उनके बहुत सारे जो शिष्य खड़े हुए थे सबसे पूछा कि बच्चों ये जो सामने वृक्ष है तुम्हें उसमें क्या दिखाई दे रहा है। तो किसी ने कहा कि मुझे पूरा वृक्ष दिखाई दे रहा है, फिर किसी ने कहा कि मुझे गुरुवर पत्तियां दिखाई दे रही हैं, किसी ने कहा कि मुझे फल पत्तियां और वृक्ष सभी दिखाई दे रहे हैं। तब उन्होंने अर्जुन से पूछा कि बेटा तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है और तुम्हें किसके ऊपर तीर को साधना है। तो उन्होंने कहा कि बस मुझे केवल वह जो आम का फल है, केवल मुझे वही दिखाई दे रहा है और मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने कहा कि चलो तीर साधो। जैसे उन्होंने तीर साधा तो वो तुरंत जो फल की जो डंडी थी उन्होंने उसको तीर लगाया और वो नीचे गिर गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो भी काम करें, भले आप 10 मिनट पढ़ें तो केवल 10 मिनट पढ़ें ही और कुछ ना सोचें। यदि आप खेल रहे हैं तो बस खेलिए, यदि आप भोजन कर रहे हैं तो केवल भोजन कीजिए। इससे आपके भीतर एकाग्रता का विकास होता है, आपके भीतर तन्मयता का विकास होता है और आप सतत आगे बढ़ते जाते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण सद्गुण आता है बच्चों, वह होता है निरंतर अभ्यास। अभ्यास एक ऐसा गुण है जो यदि विद्यार्थी जीवन में आ जाए तो वह बहुत ही ऊंचे सोपानों पर चढ़ सकता है। आपने एकलव्य की कहानी तो सुनी होगी बच्चों, कि उनके गुरु ने उनको मना कर दिया था कि तुम हमारे साथ शिक्षा नहीं ले सकते। अब उन्होंने सोचा कि मुझे कौन सिखाएगा, तो उन्होंने क्या किया, गुरु की मूर्ति ही बना ली और अभ्यास करते रहे। कई वर्षों तक उन्होंने अभ्यास किया और बहुत ही सबसे श्रेष्ठ धनुर्धारी एकलव्य बने। तब वहाँ से गुरु निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि इतना अच्छा ये कैसे है कि इन्होंने इतने अच्छे से तीरंदाजी कर ली और इतना श्रेष्ठ कौन धनुर्धारी है, मुझे तो अर्जुन को बनाना था। तब उन्होंने देखा कि एकलव्य ने कहा कि मैं आपसे ही तो सीखता हूँ। तो उन्होंने कहा, गुरु ने, मैं तो तुम्हें नहीं सिखाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी प्रतिमा बनाकर ही सीखता हूँ। तो उन्होंने कहा, तो आपको गुरु दक्षिणा देनी होगी। तो उन्होंने उसके जो एकलव्य का दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया। तो कहने का तात्पर्य है कि बच्चों, निरंतर अभ्यास से आप सब कुछ पाने में सक्षम हैं, इसलिए निरंतर अभ्यास कीजिए। अगला जो महत्वपूर्ण सद्गुण है, जीवन को वास्तविकता से जोड़े रखें। ख्याली पुलाव न पकाए। आपने देखा होगा कि शेख चिल्ली की कहानी आपने सुनी होगी। शेख चिल्ली एक बार क्या कर रहा था, पलंग पर लेटा हुआ था और ऊपर क्या हुआ था, दही की हांडी लटकी हुई थी। तो अचानक क्या हुआ, उसको नींद लग गई। अब वो सपने देख रहा है कि मैं ना दही की हांडी मैं ले जा रहा हूँ और मैंने उसको बेचा तो उससे मुझे बहुत सारे पैसे मिले, फिर मैंने बहुत बड़ी हांडियाँ खरीदी और बड़ी बड़ी, उसको मैंने बेचा तो उससे बहुत पैसे आए, फिर मैंने क्या किया कि अपना और बहुत सारे पैसे आए तो मैंने अपना बड़ा सा विशाल सा भवन बना लिया और अच्छी सी पलंग बना लिया जिसमें आराम से मैं सो सकूँ। फिर क्या हुआ, वहाँ पर उसमें चोर घुस आया भवन में चोरी करने, तो मैंने क्या किया, डंडा उठाया और दे मारा। तो क्या हुआ बच्चों, वो तो नींद में था, नींद में उसने डंडा उठाया और किसको दे मारा, उसके मुंह पर क्या गिर गया, उसके मुंह पर दही गिर गई। मतलब वो ख्याली पुलाव पका रहा था और उसकी हांडी फूट गई। जितना वो सोच रहा था बहुत सारी चीज़ें और उसने अपनी छोटी सी हांडी ही फोड़ दी। तो बच्चों, कहने का मतलब ये है कि जीवन को वास्तविकता से जोड़े रखें। ये ना सोचें कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे। आप कर्म करते रहें, सतत कर्म करते रहें, सोचें लेकिन उसको कार्य में परिणत करने का भी प्रयास करें।
अगला जो महत्वपूर्ण सद्गुण आता है बच्चों, वो आता है संकल्पशीलता। जैसा कि आपने गांधी जी की कथा भी सुनी होगी कि एक बार वो ट्रेन में बैठे थे और अंग्रेजों ने उन्हें बाहर फेंक दिया था, तब उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं इन अंग्रेजों को अपने भारतवर्ष से बाहर निकाल दूंगा। और उन्होंने इतना श्रेष्ठ संकल्प लिया और श्रेष्ठ गुणों का विकास किया अपने भीतर, अहिंसा का विकास किया, लोगों को भी सिखाया, तो अंग्रेज ऐसे थे कि उनकी आंखों में देख पाने में भी सक्षम नहीं होते थे और कहते थे कि कभी भी तुम गांधी जी की आंखों में, बापू की आंखों में कभी मत देखना। तो यह संकल्पशीलता का विकास है कि आपके भीतर ऐसा भाव हो कि तन में मन शुभ संकल्प मस्तु, मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो, इस प्रकार आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इन्हीं गुणों में सबसे महत्वपूर्ण जो गुण आता है वो आता है समय प्रबंधन का। अब समय प्रबंधन के लिए हम क्या क्या करें, इसके गोल्डन रूल्स क्या हैं? तो इसके गोल्डन रूल्स विभिन्न जो मोटिवेशनल्स हैं, जो विभिन्न मनोवैज्ञानिक हैं, मनोचिकित्सक हैं, मनोबाल मनोचिकित्सक हैं, उन्होंने बहुत सारे इसके अंतर्गत दिए हैं, विभिन्न तरह की किताबें ली हैं। तो विभिन्न तरह की किताबों का बच्चों यहाँ पर छोटा सा अंश हमने सार रूप में दिया है, जो विद्यार्थी के लिए, किशोरों के लिए, सभी के लिए लाभप्रद है। इसमें जो सबसे पहला जो पॉइंट्स आता है वो आता है टाइम बॉक्सिंग। इसको किस प्रकार से करना है, जैसे आप बच्चों स्क्रीन पर देख रहे हैं, टाइम बॉक्सिंग मतलब आपको एक डायरी लेखन करनी है, बाल्य दैनंदिनी का लेखन करना है, जिसके आपके भीतर संस्कारों का अभ्यास हो। तो आप एक छोटी सी डायरी आप ले सकते हैं या बना भी सकते हैं, A4 साइज़ का जो कागज़ होता है उसको भी आप फोल्ड करके, आप स्टेपलर करके बना सकते हैं, या फिर आपके घर में डायरी रखी उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आपको कॉलम बना लेना है कि कब कितना हम क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहले जो टाइम बॉक्सिंग हम क्यों बनवा रहे हैं, इसकी क्या आवश्यकता है बच्चों, इससे आपको ये समझ आएगा कि हम कहाँ कहाँ हमारा समय खर्च होता है और कहाँ कहाँ हमारा समय बचता है और हम किस प्रकार से अपने रूटीन को व्यवस्थित कर सकते हैं। तो बच्चों समय देखना भी तो आना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रहा है। तो सबसे पहले आपने टेबल बना ली है, दो टेबल आपने बनाई है। सबसे पहले जो सुबह का समय होता है मॉर्निंग, यदि आप 5 बजे उठते हैं तो आप काउंटिंग लिख लीजिए लेफ्ट साइड, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ तक लिख लिया। अब हम दोपहर के समय पर आ जाते हैं आफ्टरनून, अब उसमें 1, 2, 3, 4 आपने लिख लिया। अब हम आ जाते हैं शाम का समय इवनिंग, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 बजे आप सो जाते हैं। इस तरह से आपको केवल काउंटिंग लिखनी है। यदि आप बहुत छोटे बच्चे हैं तो माता पिता की मदद भी ले सकते हैं, अपने भाई बहन की मदद भी ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें लिखना है कि आप कितने बजे उठते हैं। तो यदि आप 5 बजे उठते हैं तो आप लिखिए कि आप 5 बजे मेरा जागरण होता है, 6 बजे शौच आदि से निवृत्त होते हैं। यदि 7 बजे आप खाली हैं तो खाली लिख लीजिए, 8 बजे आप नाश्ता करते हैं तो नाश्ता लिखिए, 9 या 10 बजे आप खाली हैं तो खाली लिखिए। मतलब आप क्या क्या काम करते हैं रोज, उसको आपको लिखना है, और कहाँ कहाँ आप खाली होते हैं उसको आपको लिखना है। तो इस प्रकार आप 11 बजे भोजन करते हैं तो भोजन लिखिए, 12 बजे खेल है तो खेल, 1 या 2 बजे आप खाली हैं तो खाली, 3 बजे आप कुछ एक्टिविटी करते हैं तो एक्टिविटी ड्राइंग करते हैं, 5 बजे आप खेलने जाते हैं तो खेल लिखिए, 6 बजे आप खाली हैं तो खाली लिखिए, 7 बजे आप भोजन करते हैं तो भोजन लिखिए, और 10 बजे आप सो जाते हैं तो सोने के लिए। अब आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर बहुत सारे जो ऑरेंज कलर के हैं, वहाँ वहाँ समय खाली है आपका, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अब आपको प्रबंधन करना है अपने समय का, उसको यूटिलाइज करना है, उसको श्रेष्ठता से भरना है। तो आप जहाँ जहाँ खाली हैं तो अपने शारीरिक विकास के लिए योग का समय निर्धारित कीजिए कि 7 बजे आप खाली हैं तो आप वहाँ पर योग कर सकते हैं 1 घंटा। अब जो हमारा टाइम मैनेजमेंट का जो सेकंड रूल्स आता है वो आता है 5 सेकंड्स रूल। मैन रॉबिन्स की जो बुक है उन्होंने बहुत ही 5 सेकंड रूल का अपनाया और विभिन्न बच्चों पर रिसर्च किया और उन्हें बहुत ही अधिक लाभ मिला है। इसके अंतर्गत उन्होंने सुव्यवस्थित दिनचर्या को भी बताया, जिसे हम जीवन विद्या कहते हैं। शिक्षा के साथ जीवन विद्या का यदि समावेश हो जाए तो जीवन प्रबंधन बहुत अच्छे से हो जाता है। तो आप स्क्रीन पर एक आप देख रहे हैं टेबल देख रहे हैं, आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसे आप देखकर जीरोक्स करा सकते हैं या अपनी डायरी में भी लिख सकते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं और उनमें
ये जो आप काउंटिंग देख रहे हैं 15 दिन का हमने दिखाया है, एक महीने का भी आप लिख सकते हैं। अब आप इसमें क्या क्या गतिविधियां करते हैं तो उसमें आपको राइट लगाना है, यदि नहीं करते हैं तो क्रॉस करना है। लेकिन धीरे धीरे उन क्रॉस को आपको ऐसा मिटाना है कि वह क्रॉस धीरे धीरे कम होते जाए और हमारे भीतर गुणों का समावेश होता जाए और सभी चीज़ें राइट हो जाए। तो इसके लिए आप सबसे पहले आप देखेंगे प्रातःकाल सूर्योदय के पूर्व उठे आप तो आप सही या गलत, हाँ या नहीं में उत्तर आप दे सकते हैं। लेकिन अधिकतर बच्चों की शिकायत होती है कि हम उठ ही नहीं पाते हैं, सोचते तो हैं कि हम करें। तो यहाँ मेल रॉबिन्स कहते हैं कि आप 5 सेकेंड रूल से लगा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सुबह जल्दी उठने के लिए रात में जल्दी सोना होगा और सोच कर सोना होगा कि मुझे कुछ टहलने जाना है, मुझे योगा करना है, मुझे साइकिलिंग चलानी है, या मुझे यूनिक कार्य करना है, या मुझे स्टडी करनी है, क्योंकि पढ़ाई का समय सर्वोत्तम होता है आपका ब्रह्म मुहूर्त का। तो आप पहले से ही सोच कर सोइए। अब आपको सुबह आपके मम्मी पापा ने जगाया तब आपको याद तो रहेगा कि हाँ हमें सुबह जल्दी उठना है, लेकिन थोड़ा सा आलस्य आ रहा है, उस समय आप गोल्डन रूल से लगाइए। क्या करेंगे, यदि आपके नाम है आरती है, आपका नाम अनन्या है, आपका नाम भव्या है, आपका नाम राहुल है, तो आप अपने आप से बोलिए कि चलिए आपको उठना है 5, 4, 3, 2, 1। अपने आप से आपको बातें करनी है, अपने आप को सजग करना है और उठकर बैठ जाना है। धीरे धीरे जब आप ये अभ्यास करते रहेंगे तो आप में ये क्षमता आ जाएगी और आप खुद उठ पाने में सक्षम होते चले जाएंगे और आपके फिर सारे राइट होते चले जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप जैसे ही उठते हैं तो पलंग पर आपको थोड़ी देर बैठे रहना है, आपको नमस्कार मुद्रा लगानी है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हम जो भी कार्य करते हैं दिन भर के कार्यों का संकल्प करना है और पूरा समय प्रबंधन करना है कि हमें क्या क्या कार्य करने हैं। आप दोनों हाथ फैला कर भी आप कर सकते हैं, आपको भाव करना है कराग्रे वसते लक्ष्मी कर्मध्ये सरस्वती कर्मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। इस प्रकार आप विभिन्न तरह से भगवान की अर्चना कर सकते हैं। हे भगवान तुझे प्रणाम, तेरे बच्चे हम हो सच्चे, पढ़ लिखेंगे योग्य बनेंगे, काम करेंगे नहीं डरेंगे। इस प्रकार से भगवान को प्रणाम करें और फिर उस अपने हाथों को रख करके पूरे शरीर पर फैला लें, मल लें। अगला क्रम जो आता है आपका धरती माता, माता पिता तथा बड़ों को प्रणाम करने का, ये बहुत ही इससे बच्चों में श्रेष्ठ संस्कारों का विकास होता है और आप बहुत ही ऊंचाइयों को छूते हैं। तो जैसे ही आप पलंग से नीचे उतरे तो सबसे पहले धरती माता को जरूर प्रणाम करें। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम चमस्वम। हे धरती माता, हम आप पर पैर रख रहे हैं, भूमि हमारी माता है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, हम उसके पुत्र हैं, हमारे भीतर भी आपके जैसे गुण है। फिर अपने माता पिता को प्रणाम करें। आपने भगवान राम की कहानी तो सुनी होगी कि वह जब भी प्रातःकाल उठते थे तो हमेशा सबसे पहले माता पिता को जाकर प्रणाम करते थे। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम ही माता। तो माता पिता बड़ों को जरूर प्रणाम करें, इनसे आपका बहुत अधिक विकास होता है। उसके उपरांत बच्चों क्या करना है, अगला क्रम आता है उषा पान क्रिया। उषा पान अर्थात बासी मुँह पानी पीना। बासी मुँह पानी पीने से आपके जो भीतर जो गंदगी होती है वह भी साफ हो जाती है और आपके भीतर जो कील मुहासे हो रहे हैं वह भी दूर हो जाते हैं। इसलिए पहले प्रयास करें कि थोड़ा थोड़ा पानी पिए, फिर आप एक या दो गिलास पी सकते हैं। उसके उपरांत आप योग TTK ताड़ासन, तिरक ताड़ासन तथा कटी चक्रासन, ये 3 अभ्यास जरूर करें। इन अभ्यास के करने से आपका पेट स्वच्छ रहता है, कब्ज की शिकायत नहीं होती है। बच्चे अक्सर पेट दर्द की शिकायत करते हैं, वह भी अच्छा बना रहता है। जब आप पेट साफ कर लेते हैं तो पढ़ाई में मन भी लगता है, आप स्कूल जाते हैं तो मन बना रहता है। इस प्रकार आप इस क्रम को कर सकते हैं। तो आप इसमें भी धीरे धीरे आप राइट लगा सकते हैं, धीरे धीरे आपके भीतर यह आ जाएगा, आप पूरी तरह से अपने जीवन का प्रबंधन कर सकते हैं। उसके उपरांत आपके जो दैनिक कार्य है, दंत मंजन है, दातुन स्नान क्रिया है, शौच है, उनसे निवृत्त हो जाए। उसके उपरांत नियमित उपासना का क्रम बच्चों जरूर बनाएं।
नियमित उपासना में आप सूर्य की उपासना कर सकते हैं, सूर्य को जल चढ़ाएं, या फिर आप गायत्री मंत्र लेखन करते हैं तो जरूर करें, उसका अभ्यास जरूर करें। यदि आप माला करते हैं तो एक माला नित्य प्रति करें, इससे आपका विकास होता है। यह आत्मा की खुराक है, उसी के नियमित उपासना के बाद ही आप कुछ आहार ग्रहण करें, इससे आपका विकास होता है। जब आप स्कूल जाते हैं तो विद्यालय में भी गुरुजनों को प्रणाम करें, मन लगाकर पढ़ाई करें, विद्यालय गतिविधियों में भाग लें, तो इन सभी को आप लिखते जाएं, वहाँ पर राइट भी करते जाएं, तो आपको अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा कि हाँ, हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं। नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, अभ्यास कीजिए, अभ्यास से सब कुछ संभव है। और किसी की मदद की, बड़ों के काम में सहयोग किया, यदि आपके मम्मी पापा कुछ काम कर रहे हैं तो आप दौड़ कर उनके पास जाइए और कहें कि हमारे अनुसार आप हमें काम दीजिए, तो वो आपको काम देंगे और आप उस काम को करेंगे तो आपके भीतर आत्मविश्वास आएगा और आप सीख पाने में सक्षम होंगे। अपने कार्य स्वयं करें, प्रयास करें कि अधिक से अधिक अपने काम को करने का प्रयास करें। सुव्यवस्था का ध्यान रखें। कभी बच्चे सोचते हैं ना कि हम क्या करें, किस प्रकार से करें, हमारी अब खाली समय है, अब हम क्या करें, उसमें आप सुव्यवस्था का ध्यान रख सकते हैं। अपनी किताबें व्यवस्थित रखें, आपका जो कमरा है, खिलौने हैं, उसको व्यवस्थित रखें, तो आपका कमरा भी अच्छा होगा और माता पिता से आपको शाबाशी भी मिलेगी। अगला आता है प्रार्थना के साथ समय पर भोजन करें। जब भी आप भोजन करें तो प्रार्थना जरूर बोलें, जो भी आपको प्रार्थना याद है, जैसे कि आप गायत्री मंत्र बोल सकते हैं, या फिर और सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै, या फिर और जो आपको मंत्र याद है आप बोल सकते हैं, या भगवान को प्रणाम कर भी सकते हैं। उसके बाद आप भोजन करते हैं तो वह भोजन दिव्यता से भर जाता है और आपको दिव्यता से भर देता है। ध्यान रखो बच्चों, जूठन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, आपको जितना थाली में लेना है उतना ही लीजिए और जूठन न छोड़ें। इससे क्योंकि धरती माता नाराज हो जाती है ना, क्योंकि धरती माता अपना छाती चीर कर ही अन्न उगाती है, फिर किसान उसे काट कर भेजता है, फिर आपको बहुत ही संघर्ष के बाद वो गेहूं मिलता है, फिर उसको पिसाया जाता है, फिर आप उसकी रोटी बनाते हैं, फिर आपको मिलता है, तो कितनी लंबी प्रोसेस हुई है बच्चों, इसलिए जूठन नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप यह भी इसमें राइट का निशान लगा सकते हैं, यदि छोड़ते हैं तो आप प्रयास कीजिए कि अब इसे हम नहीं छोड़ेंगे। अगला आता है टीवी में कम खेल कूद से ज़्यादा मनोरंजन करेंगे, क्योंकि आंखें बहुत अधिक अभी प्रभावित हो रही है, तो टीवी को कम से कम प्रयोग करें, अच्छी अच्छी चीज़ें देखें, क्योंकि मोबाइल भी अच्छा होता है, उसमें ऐसी चीज़ें देखें जो ज्ञानवर्धक हो, जो सीखने की इच्छा उसमें हो। अपने माता पिता के साथ आप देख सकते हैं। प्रयास करें खेल कूद भी बहुत सारे आपके हो सकते हैं, जैसे कि आप अक्सर मोबाइल में लूडो गेम खेलते हैं, तो आप बनाकर भी लूडो गेम खेल सकते हैं, और पत्थरों से भी खेल सकते हैं, रस्सियों से भी खेल सकते हैं, इससे आपका शारीरिक विकास भी हो सकता है, रस्सी कूदना, और आपका मनोरंजन भी हो जाएगा। पैसे की बचत करना भी सीखें, जितना आपको दिया जाए, जितना आपको उचित है उतना ही खर्च करें, निंदा चुगली लड़ाई झगड़ा करने से बचे। साथ ही सायंकालीन प्रार्थना, जो अभी सामूहिक प्रार्थना चल रही है कोरोना काल में, लॉकडाउन की स्थिति में, सभी के लिए 6:20 से 6:30 सामूहिक प्रार्थना हो रही है शाम को, तो बच्चों आप लीड करो, आप सभी को बोलो कि मम्मी पापा आप सभी बैठिए 10 मिनट के लिए और ओम के साथ इसकी शुरुआत करें, सभी को बिठाएं कि आपको 10 मिनट तो बैठना है सभी के विश्व के कल्याण के लिए, सामूहिक प्रार्थना की, हे प्रभु हमें इस संकट से उबारे और हम सभी को शांति प्रदान करें। ऐसे भाव से आप मौनी मन गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर बोलकर भी कर सकते हैं, या आपका जो इष्ट मंत्र है उसको कर सकते हैं। 10 मिनट 6:20 से 6:30 आप सामूहिक करें, इससे आपका भी विकास होगा और आपका हृदय विश्व हृदय से जुड़ेगा, क्योंकि आर्त भाव से की गई पुकार ही प्रार्थना होती है, जिसे आप सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाते हैं इस लॉकडाउन में, इस कोरोना काल में, तो आप मात्र 10 मिनट से संपूर्ण विश्व की कल्याण की कामना तो कर सकते हैं ना। तो बच्चों आपको लीड करना होगा और सभी को बिठाना होगा। अगला है पाठ्यक्रम दोहराया। आपने गृह कार्य तो पूर्ण कर लिया, लेकिन रिवीजन में ही तो डिवीजन होता है, इसलिए उसको बार बार रिवाइज करके जरूर देखें, इससे आपका विकास होगा।
रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में वह बना रहेगा। और अंत में जब आप सोने जाएं तो व्यक्तित्व विकास हेतु तो स्वाध्याय जरूर करें, अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ें। छोटे बच्चे हैं तो माता पिता उन्हें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएं, महापुरुषों की कहानियाँ सुनाएं, पंचतंत्र की कहानियाँ सुनाएं, जिससे उनका विकास होता है, क्योंकि बाल कहानियों से बच्चों का बहुत अधिक विकास होता है। दिन भर के कार्यों का मूल्यांकन करें, क्या क्या किया, और अपनी पीठ जरूर थपथपाएं। तो बच्चों आपको क्या करना है, शाबाश शाबाश शाबाश, अपनी पीठ जरूर थपथपाना है। इस प्रकार सुव्यवस्थित दिनचर्या से आपका समय प्रबंधन बहुत अच्छा होगा। एक बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखने योग्य है कि समय पर भोजन और समय पर शयन व्यक्ति को दीर्घायु और सफल बनाते हैं, इसका ध्यान रखें। साथ ही ब्रेन ट्रेसी अपनी फेमस बुक में भी कहते हैं ईटिंग द फ्रॉग फर्स्ट। यदि आपको लगता है कि ये पूरी दिनचर्या में जो बहुत अधिक कठिन काम है उसको आप सबसे पहले कर लें, उसको सबसे पहले करने से क्या होगा, आपके भीतर आत्मविश्वास होगा और आपको लगेगा कि मम्मी पापा तो आज मुझे शाबाशी दे रहे हैं, डांट भी रहे हैं, क्योंकि हमने पहले से अपना होमवर्क पूरा कर लिया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला महत्वपूर्ण क्रम आता है ऑर्गेनाइज इन यूर माइंड। 2 मिनट्स रूल को अपना है, आप जो भी करते हैं उसे पहले से दिमाग में ऑर्गेनाइज कर लें। जैसे कि सामने एक पेंटिंग दिखाई दे रही है, आप सबसे पहले उसको ऑर्गेनाइज कर लें कि मुझे क्या बनाना है, उसके लिए साधन जुटा लें। साधन आपको क्या क्या जुटाना है, जैसे आपको ड्राइंग शीट लेनी है, आपको पेंसिल लेनी है, रबर लेना है और कलर्स लेने हैं, पहले से ही जुटा लें और दिमाग में पहले से फ्रेम बना लें कि मुझे सूर्य बनाना है, घर बनाना है, एक पेड़ बनाना है। तब आप बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और आपको खुशी भी मिलेगी कि तो मैं कितनी जल्दी, जो मैं आधा घंटा लगा देता था, अब मैंने बहुत जल्दी से काम कर लिया है। और जैसे कि आप स्कूल भी जाते हैं तो रात में पहले से ही अपना बस्ता तैयार कर लें, अपना बैग तैयार कर लें, कौन कौन सी किताबें रखनी हैं, पेंसिल बॉक्स रखना है, उसमें पेंसिल है कि नहीं, रबर है कि नहीं, पहले से ही। 2 मिनट्स रूल बहुत ही अधिक कारगर होता है। आप जो भी काम करते हैं, यदि आप नहाने भी जाते हैं तो पहले से ही अपने कपड़ों को व्यवस्थित रख लें कि अब हमें क्या करना है। तो इस प्रकार से आप बहुत सारी चीज़ों को अपने माइंड में ऑर्गेनाइज कर लें और फिर उसे करेंगे तो आपका समय भी बचेगा और आप बहुत स्फूर्तिवान हो जाएंगे और माता पिता भी कहेंगे, फ्रेंड्स भी कहेंगे, अरे आप तो बहुत स्मार्ट हो गए हैं और बहुत ही फास्ट हो गए हैं। अगला आता है प्रोडक्टिव डाउन टाइम। प्रोडक्टिव डाउन टाइम में आता है जो भी आपको इंटरेस्ट है, आप क्रिएटिव कर सकते हैं, नया थॉट दे सकते हैं। यह अभ्यास से बालक की सृजनात्मक चिंतन शैली का विकास होता है। इसके लिए आप नियमित गायत्री मंत्र लेखन भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे प्रश्न पूछते हैं कि हम मंत्र लेखन करें कि मंत्र जाप, आप दोनों काम कर सकते हैं। मंत्र लेखन से बच्चों का विकास होता है, उनकी एकाग्रता बढ़ती है, उनकी राइटिंग स्पीड भी बढ़ती है। तो गायत्री मंत्र लेखन या कोई भी इष्ट मंत्र लेखन भी आप कर सकते हैं। साथ ही आत्मबोध और तत्वबोध की प्रार्थना नियमित करें। सुबह उठें तो भगवान को धन्यवाद दें और रात को जब सोएं तो पुनः भगवान को धन्यवाद दें और भगवान की गोद में सो जाएं। नित्य नियमित सूर्य ध्यान करें, योग प्राणायाम का अभ्यास करें, स्वच्छ रहने के उपाय करें, कहानियाँ, गीत, प्रसंग, घटनाएं, मंत्र, श्रीमद् भगवद गीता के जो श्लोक हैं उनको कंठस्थ करने का प्रयास करें। तो यह सभी महत्वपूर्ण चीज़ें हुई। अब महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं कि जो आपके माता पिता हैं, जो घर में आपके बड़े बूढ़े हैं, वह जीवन विद्या का भी उनको अभ्यास कराएं, बोल कर नहीं करके सिखाएं। जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं कि पिता कर रहे हैं और बच्चा भी उनके साथ साथ देख देख कर कर रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि आप जो करते हैं बच्चा भी वही करने लग जाता है, इसलिए बोल कर नहीं करके सिखाएं, इससे उसका विकास होता है। अंत में बच्चों का मूल्यांकन भी करते रहें, बीच बीच में उन्हें श्रेष्ठ बातों का समावेश करें, उन्होंने जो भी कार्य किया उनकी पीठ पर थपथपाएं। तो परम पूज्य गुरुदेव ने भी कहा है कि एक आँख सुधार की और एक आँख दुलार की, उन्हें दुलार भी करें और साथ ही सुधार भी करें, उन्हें अच्छे अंक भी देते जाएं, उनका मूल्यांकन करें, जहाँ कमी है उनको अपने दोस्त बनकर, जो जनरेशन गैप हो गई है उनको दूर करने के लिए आप उनके दोस्त बनकर उन्हें अच्छे से सुझाव दें, उनको प्रोत्साहित करें कि बेटा यहाँ पर कमी है, आप यहाँ पर अपने को उभारेंगे
तो आपने वो मन की बात भी आपको बतानी है। तो इस तरह से बच्चों का मूल्यांकन करने में उनका सहयोग प्रदान करें, आप अपना भी मूल्यांकन करते रहें, और क्योंकि आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो आपका भी विकास होता है, इसलिए आप आगे बढ़ते रहें, बच्चों का विकास करते रहें। जब हम इन सभी बातों को करते हैं तो हमारे जो नौनिहाल है उनमें संस्कारों के बीजारोपण हेतु नित नूतन करने की चाह उमंगी उठने लगती है। राष्ट्र देवताओं के चरणों में संस्कारवान नई पीढ़ी को अर्पित करने की समर्पित भावना उनके भीतर आने लगती है। तभी तो कहा गया है, नन्हे बच्चों आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तस्वीर हो। तो बच्चों, आज एक छोटा सा प्रयास इस वीडियो के माध्यम से किया गया, जिसमें हमने प्रबंधन के अंतर्गत जीवन प्रबंधन, समय प्रबंधन, विचार प्रबंधन की गोल्डन रूल्स को समझा, जिसे जीवन में अपनाकर हम बहुत ही ऊंचाइयों पर चढ़ सकते हैं तथा राष्ट्र के भावी नागरिक के रूप में अपने आप को बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार आज एक छोटा सा एक प्रयास किया गया है प्रबंधन का, बच्चों आप इन्हें जीवन में उतारें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि सभी के भीतर ज्ञान का प्रकाश हो। हमारे योगा एंड अल्टरनेटिव थेरेपी चैनल पर बहुत सारे ऐसे शिक्षाप्रद, योग संबंधित, वैकल्पिक चिकित्सा संबंधित वीडियो हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको और नए नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस तरह आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।